प्लेयर्स के ग्रेड थे। जॉन जून इकलौता प्लेयर बचा हुआ, एक किल अपने लिए कंफर्म करते हैं। गॉडलेस वहां पे ऑरेंज रॉक के गिल को नॉकडाउन जरूर करें, बट यहाँ पे क्या एक और प्रिसाइज ग्रेड हो सकता है? बट नहीं, थोड़ा सा दूर रह गया है जीन एंड वापस अभी भी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश जरूर कर रहे हैं जम करके, बट क्या पता वापस वो ग्रेनेड उनके पास ही रिबाउंड हो क्या, जिसके चलते थोड़ा सा वापस से शॉट रहेगा। एक डिप है वहां पे जो बगी लगा के खड़े हुए टीम के प्लेयर्स, इतना ज्यादा दिक्कत में आएंगे नहीं अभी, बिकॉज आ रहे क्योंकि प्लेयर्स को भी अभी थोड़ा जोन के अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज ऊपर से उनको एक किल मिलेगा और अगर ज्यादा देर यहाँ पे रुके उनको दिक्कत, यहाँ पे क्या ये वाला ग्रेनेड दिक्कत देगा? बट नहीं, जॉन जून अभी भी ट्राई कर रहे हैं आरआरक्यू के प्लेयर्स को ग्रेनेड से दिक्कत देने के लिए, बट अभी किल फीड भी चलते हुए नजर आ रहा है। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्प्लिट अप है, गिल पूरे फिनिश होते हुए नजर आ सकते हैं। आईएनडी के 420 ओपी भी पूरे फिनिश हो जाएंगे। यूडीके मैच पर के द्वारा गॉडलेस को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। आई शॉट्स यहां पे मैच में आता है, टीम सीक्रेट कमिंग इन दिस मैच, नो चांस को यहां पे कोई चांस नहीं दिया जा रहा, इसके चलते नो चांस का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। टीम सीक्रेट की एंट्री फाइनल सर्कल में तय हो चुकी है, बट बीटीआर के प्लेयर्स जोन के बाहर से मार्च इन करते हुए देखते हैं कितनी जल्दी वो लोग अंदर आएंगे। मैच को यहां पे इनकोर नॉकडाउन करेंगे, माइक्रो बॉय ये फाइट मेगा स्टार्स के अगेंस्ट लेंगे एंड पैराडॉक्स को नॉकडाउन करेंगे। टीम सीक्रेट ने बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट्स यहां पर निकालने की शुरुआत करी है, एंड जो टीम सीक्रेट हम देखना चाहते थे वो शायद यहां पर देखते हुए हमें मिल सकती है। ऑरेंज ओके मवी और स्काउट एक दूसरे के आसपास अभी रहेंगे, यहां पर थ्रोएबल्स एंड ऑल एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। वीरू अंगित रन राइट साइड पर स्पॉट कर रहे थे प्लेस को, बीटीआर को सर्कल के अंदर जाना, एक अच्छे एरिया के अंदर जाना है। बीटीआर के प्लेयर जक्सी अभी अकेले है, बाकी प्लेयर साइड से आ रहे हैं। राइजन को ये टीम खो चुकी है, बट जिस घर के अंदर जक्सी गए हैं वहां पर वैल्डर्स के मार्टिन जरूर दिखेंगे। वैल्डर्स की गॉड आउट डाउन हो चुकी है, जक्सी के द्वारा काफी बेहतरीन तरीके से यूआई को, यूआई ने वहां पर माइक्रोवेव को पिकअप जरूर कर लिया। यूआई आगे जा रहे हैं, बीटीआर के लिए मुश्किल हो सकती है बिकॉज एक और प्लेयर लक्सी भी स्पॉट हो चुके हैं। पिन पॉइंटेड एरिया सिनर्जी का एलिमिनेशन यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन यूआई को टेक डाउन किया जाएगा वीरू के द्वारा। ऑरेंज रॉक के यूआई काफी ओपन में आ चुके थे, लक्सी के ऊपर अगर एक सही शॉट जाता है मैट टॉय का, ही कैन टेक इट डाउन, एंड यस ही डज। बिल्कुल डीएमआर एक्शन यहां पे मीरामर मैच में लाजमी है, उसके चलते एक और ग्रेनेड यहां पे ट्राई करेंगे। जक्सी क्या एक नॉक निकाल पाएंगे? नहीं, ऊपर से जो प्लेयर्स है वो सारे फॉल बैक करके जा चुके, कोई भी उस वाले कंपाउंड में नहीं है। जक्सी अभी भी ट्राई करे एक स्मोक डाल के, ही वांट टू क्लच दिस फाइट, बट बीटीआर के माइक्रो बॉय पूरा फिनिश हो जाएंगे। एक ग्रेनेड आएगा आर्म जॉन का जो जक्सी को पूरा फिनिश करेंगे, एंड बीटीआर का भी इस वाले मैच से एलिमिनेशन होता नजर आएगा। बट आरसीएस के जो सार है वो अभी भी जिंदा है, रोड के पास प्रोन जरूर है, बट देखते कितना वो एक डिफरेंस वो है जो प्लेसमेंट पॉइंट से यहां पर बना पाता है। टीम आईएनडी एलिमिनेट होगी, टॉप 9 के अंदर टॉप 8 टीम्स हमारे पास जिंदा, 19 प्लेयर्स आर अलाइव। जोन कहां बनेगा जहां पे कोई भी प्लेयर नहीं है? बिल्कुल जोन के अंदर कोई टीम नहीं, लेकिन सब टीम्स को जोन के अंदर जाना पड़ेगा बिकॉज अब जोन बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है। आर्म जोन वापस सेल्स के आतंकी को पिकअप कर रहे हैं, T1 का एलिमिनेशन प्ले जोन की खातिर यहां पर देखने को मिलता हुआ। टीम सीक्रेट के यूआई और आई शॉट जरूर बैठे हुए हैं, और मेरा मार का मैच रहता है तो बोल्ट एक्शन यहां पर आई शॉट दिखाना चाहेंगे। G9 ऑन द अदर एंड अल्ट्रॉन को नॉक एंड फिनिश कर चुके हैं, ये प्लेयर्स नहीं रुकना चाहते आरआरक्यू के, काफी बेहतरीन फाइट्स निकाल रहे हैं। आई शॉट्स एक एरिया को देख रहे हैं, यूआई दूसरे एरिया को देख रहे हैं। ऑरेंज रॉक के लिए मुश्किल है, यूआई कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर आरआरक्यू के प्लेयर्स आगे माउंटेन पर चढ़े हुए हैं, और यहां पर स्काउट काफी अच्छे तरीके से स्कारिल का प्रदर्शन करना चाहते हैं। शॉट्स कनेक्ट हुए हैं, बट देखते हैं कि आगे की फाइट्स कैसे निकालते हैं, बिकॉज 7 सेकंड में अगला जोन बनने वाला है। कल का मैच ऑरेंज रॉक चिकन डिनर निकाल के गई थी, मीरामर वाला ही मैप था, बट उसी के चलते इस बार जोन के अंदर एंट्री इतनी आसान नहीं होना, बिकॉज जो ब्रोकन वॉल पे वो लोग बैठे हुए कवर लेके वो जोन में नहीं है, दे हैव टू गो आउटसाइड, एक व्हीकल का कवर बनाना पड़ेगा। बट टीम सीक्रेट उनके पास 10 किल है, वुड यू बिलीव दैट, बिकॉज इस टीम ने बाहर से एंट्री ली थी जब ये लोग अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे, कंफर्ट जोन से बाहर रह के इस टीम ने 10 किल्स निकाले हैं। बट अभी भी ट्राई कर रहे हैं वैल्डर्स को दिक्कतें देने के लिए, बिकॉज 4 किल अभी भी उनके सामने। आई शॉट्स ट्राई करेंगे गेट कीप करने के लिए, बट वैल्डर्स के प्लेयर आएंगे जरूर, बट क्या वाला ग्रेनेड दिक्कतें दे सकता है? JCZ के पास वहां पे मार्टिन थे, मार्टिन वहां पे नॉकडाउन होंगे, बट यहां पे आई शॉट्स एक और नॉक निकालेंगे कोडार्ड यहां पे, बट एक ट्रेड फायर के चलते नॉकडाउन करेंगे आई शॉट्स को। यूआई क्लॉथ ऐसे प्लेयर जो सामने बचे हुए हैं, पिकअप ट्रक के पीछे क्या वैल्डर्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। गॉडार्ड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर वैल्डर्स, एंड सेम एज यूआई यहां पे देखते हैं किस तरीके से टीम सीक्रेट के लिए आखिरी किल वो निकाल पाएंगे। बट ऊपर से आरआरक्यू का स्क्वाड थर्ड पार्टी करता हुआ नजर आ सकता है। गॉडार्ड यहां पे मार्टिन को रिवाइव दे दिया है, अब फर्स्ट हिट के पॉप इन के बाद देखते हैं वाली फाइट कैसे जाती है। यूआई यहां पर अपने लिए स्मोक जरूर करना चाहेंगे, गॉडार्ड पीछे जा रहे हैं, एक प्लेयर को रिवाइवल इन्होंने भी दिया था, हीलिंग्स वहां पर लग चुके हैं। वैल्डर्स के प्लेयर्स 2 मैन अभी यहां पर वापस से आ चुके हैं, आर्म जॉन को यहां पर छोड़ा जाएगा, लेकिन यूआई अगर यहां पर बाहर रुकते हैं गलती कर बैठेंगे, गलती हो रही है यहां पर, रिवाइवल नहीं दे पाए, आगे जाना पड़ेगा। जाते जाते मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है, रिजेक्स का एलिमिनेशन यहां पर देखने को मिला। आरआरक्यू के प्लेयर्स फाइट्स में बेहतरीन फाइट्स ले रहे हैं, ऑरेंज रॉक या
पर बची हुई है। गैलेक्सी रेस सेल्स के प्लेयर्स भी यहाँ पर रहेंगे, फाइट निकालने के लिए रेडी टू ही गाड़ी से गिरकर अपने नॉक हो चुके हैं। लेकिन आरआरक्यू के प्लेयर्स हायर एरिया, कल यहाँ पर ऑरेंज रॉक थी ऐसे हायर एरिया पर, अब यहाँ पर आरआरक्यू के प्लेयर्स है, लेकिन उनके लिए मुश्किल है वो बना रहे। टीम सीक्रेट भी एक एरिया से मुश्किल बना रही है। ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन ऑलमोस्ट होता हुआ दिख सकता है, मवी भी वहां पर डाउन हो गए थे और यूआई वेल्डस के प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना चुके हैं। गोडार्ड अब आगे की फाइट लेना चाहेंगे, ही ड्रॉप डाउन एंड यूआई एक ड्रॉप शॉट क्राउड शॉट के साथ काफी बेहतरीन तरीके से एलिमिनेशन निकालते हुए। क्राउड शॉट वहां पे बहुत ही प्यारी तरीके से, यूआई मैं बोलूंगा एक अपना इकलौता ऐसा प्लेयर था जो अपनी टीम को यहां पे कैरी करके फाइनल सर्कल तक लेके आया। बट आरआरक्यू के जी9 कंसिस्टेंटली ऑरेंज रॉक को दिक्कतें दे रहे थे, आखिरी में वहां पे ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता है। टॉप थ्री टीम्स हमारे पास जिंदा है, आरआरक्यू है यहां पे, किंग ऑफ गेमर्स का भी स्क्वाड यहां पे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से, ओके किंग ऑफ गेमर्स आरआरक्यू है यहां पे, टीम सीक्रेट और गैलेक्सी रेसर्स सेल्स है यहां पे, आतंकी पर हील बैटल कर रहे हैं, व्हाट वाज दैट। बट केओजी का स्क्वाड हम लोगों ने देखा था आखिरी सर्कल आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट अभी डी टू ही ये स्क्वाड आप लोगों को हमेशा इस वाले मिरर मैच में आपको देखा कि हाई ग्राउंड पोजीशन थी, जिस तरीके से वो फ्लैंक भी मारते हुए नजर आ रहे। देखते हैं वन और टू का स्प्लिट यहाँ पे बना रहे हैं, ये वन टू का स्प्लिट रहेगा, थ्री वर्सेस वन की फाइट रहेगी और क्योंकि खाते में पूरा गेम जा सकता है बिकॉज सेल्स के प्लेयर्स यू नो सर्कल के बाहर एक तरीके से अभी सर्कल में आ चुके, लेकिन अब मुश्किल बहुत ज्यादा हो चुके हैं बिकॉज अर्नी स्पॉट कर चुके हैं, जहां स्मोक से वहां पर प्लेयर्स हो सकते हैं इजिली। आरआरक्यू ये गेम अपने लिए निकाल सकती है और अपने आप को वापस से एक ऊपर का एरिया दे सकती है। इनका लास्ट चिकन डिनर एरेंगल में आया था परसों के दिन, जो आखिरी जब आईएनडीसी की फाइट हुई, लेकिन यहां पर यूआई के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। बट यूआई इज ऑलमोस्ट टेकिंग अर्नी डाउन, अर्नी की 50% हो चुकी है, यूआई आगे मूव जरूर करें लेकिन राइट हैंड साइड से उनको स्पॉट किया जाएगा। यूआई टेक्स वन डाउन बट अर्नी तैयार थे फाइट्स लेने के लिए, आतंकी बचे हुए अकेला प्लेयर वहां पर है, वन वर्सेस थ्री कर अगर वो पाए काफी बेहतर रहेगा। स्पॉट जी9 माइट टेक हिम डाउन बट जी9 के पास एक अच्छा खासा कवर था, इन्होंने अपनी लोकेशन दे दी, ही माइट गिव अ स्किल माइट नॉट एंड ही गोस डाउन, बट जाते जाते उन्होंने जी9 को डाउन जरूर कर दिया था, एक बेहतरीन फाइट निकाली और आरआरक्यू एक बढ़िया चिकन डिनर। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे मैं बोलूंगा यूआई ने अपने